अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी के ऊपर। सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी दो चीज़ें होती हैं। सर्टेन बोलते हैं श्योर को, यकीन यकीन, और अनसर्टेन बोलते हैं गैर यकीन। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी जो है हमने किस चीज़ के बारे में पढ़नी है? हमने कुछ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, कुछ मैटर के बारे में पढ़ा था, मादे के बारे में और पार्टिकल के बारे में। तो उनकी जो उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी हैं और जो सर्टेनिटीज हैं उनको हमने स्टडी करना है। तो इनको स्टडी करने वाला बंदा है, इसका नाम है हेजनबर्ग। ठीक है, हेजनबर्ग ने फर्स्ट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रोड्यूस किया है, पेश किया है। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद बेटा, इससे पहले हेजनबर्ग से पहले बोहर ने जो है इलेक्ट्रॉन और जितने भी पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन और मोमेंटम के बारे में हमने कल पढ़ा था। हम मैयर कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, यानी हम बोहर ने पढ़ा बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम जो है उसको हम आसानी से मैयर कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। मुकम्मल एक्यूरेट उसका मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं और पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं। ये किसने बताया? बोहर ने। ये इससे पहले की बात है। बाद में हेजनबर्ग ने हमें बताया कि जितने भी यानी विद एडवेंट ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरा हमने सीखा कि ये जो बोहर ने बात की थी यानी पार्टिकल्स की हम पोजिशन और मोमेंटम जो है एक्यूरेटली मैयर कर सकते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, किसने बताया? हेजनबर्ग जी। ये बात उस बात के उलट हो गई है। हम बोहर ने बताया और पढ़ा हमने कि तमाम पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक्यूरेटली मैयर कर सकते हैं, लेकिन हेजनबर्ग ने 1927 के अंदर पहली मरतबा आइडिया दिया कि नहीं, ये बात गलत है कि हम किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है और जो दोनों चीज़ें हैं, पोजीशन है या मोमेंटम है, दोनों चीज़ों को हम मुकम्मल तौर पर एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, और वो किस वक्त? सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में। हाँ, ये बात बहुत अहम है, यानी ये दोनों चीज़ें पोजीशन और मोमेंटम जो है कभी मुकम्मल तौर पर एक्यूरेटली एक ही वक्त में मेजर नहीं हो सकते। इसके अलावा अलग अलग तौर पर मेजर हो सकती हैं, यानी अगर हम किसी पार्टिकल की पहले पोजीशन मैयर कर लें तो हो सकती है एक्यूरेटली मैयर, फिर हम उसका मोमेंटम मालूम कर लें तो वो भी हो सकता है। यानी एक बात समझ आ गई कि एक्यूरेसी के साथ दोनों चीज़ें इकट्ठे पोजीशन और मोमेंटम को मैयर करना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये किसने बताया? हेजनबर्ग ने। इसी प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थ्योरी आपको समझ आ गई होगी, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम सीख रहे हैं कि उनकी दो चीज़ें पोजीशन और मोमेंटम जो हैं कभी भी एक ही वक्त में दोनों इकट्ठे एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती। हाँ, अलग अलग हो सकती हैं। आप उसकी पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर लो, फिर उसके बाद उसका मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर हो सकता है। ये प्रिंसिपल है हेजनबर्ग। तो बेटा, इस प्रिंसिपल को इक्वेशन के थ्रू इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, डेल एक्स इनटू डेल वी। डेल एक्स है फॉर पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, और ये चेंज इन मोमेंटम है। ये इज इक्वल टू और बड़ा भी है इसे एक्स ओवर 4 पाई। बेटा, हमारे पास ये दो बातें बहुत अहम हैं, हमने इस चीज को स्टडी करना है, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम। ये बात, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम, अगर आप इसे गौर से देखें तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये यहाँ पर प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ डेल पी को यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ ले जाऊँ, इस इक्वेशन के सेकंड साइड पर ले जाऊँ, तो ये वहाँ जाकर उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। जी, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, चेंज इन पोजिशन इज द प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के साथ ये प्रोडक्ट है। बेटा जी, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम को इस इक्वेशन के सेकंड साइड पर ले जाऊं, तो ये चेंज इन मोमेंटम इक्वेशन के सेकंड साइड पर इधर नीचे आकर मल्टीप्लाई होगा। मैं लिखता हूं इस चीज को, डेल एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
वन ओवर डेल टी जी बेटा। तो ये इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ से डेल बी को इस तरफ ले गया, ये चीजें कांस्टेंट हैं, तो इनको मैंने कांस्टेंट कर दिया है, यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया। अब आपके सामने इक्वेशन है, ये इक्वेशन बता रही है डेल एक्स चेंज इन पोजीशन। डेल एक्स क्या है? चेंज इन पोजीशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के। इस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के। अगर आप ये क्वेश्चन बता रही है, अगर आप चेंज इन पोजीशन की वैल्यू कम है तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ये वैल्यू छोटी होगी तो ये वैल्यू बड़ी होगी। दूसरे लफ्जों में यानी चेंज इन पोजीशन कम आया उस पार्टिकल का तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आया तो चेंज इन पोजीशन कम आया। यानी दूसरे लफ्जों में अगर आप चेंज इन मोमेंटम को ज्यादा मालूम कर रहे हो, उसका मोमेंटम ज्यादा है, अच्छे तरीके से मालूम कर लेते हो, तो उसकी पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब ये वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू कम हो जाती है। यानी अगर आप उसका मोमेंटम की वैल्यू बढ़ाते हो, एक्यूरेट करते हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरह से उसके मोमेंटम मालूम करने की कोशिश करते हो, तो उसकी पोजीशन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। हाँ जी, क्योंकि ये आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा मैंने यहां पर लिखा कि ये चेंज इन पोजीशन इज स्मॉलर इफ चेंज इन मोमेंटम इज लार्ज। अगर आप मोमेंटम की वैल्यू को बढ़ाते हो, उस पार्टिकल के मोमेंटम को सही तरह से मालूम करते हो, तो उसकी पोजीशन की वैल्यू बहुत कम होगी, उसकी पोजीशन सही तरह से मालूम नहीं होगी, क्योंकि आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड वाइस वर्सा। इसके बाद सो इफ वन क्वांटिटी मेजर, इसका नतीजा क्या है? इसी बात का नतीजा यहां लिखा हुआ, रिजल्ट लिखा हुआ। अगर आप इसको मालूम करते हो, चेंज इन पोजीशन इसकी वैल्यू को बढ़ाते हो, पोजीशन को सही एक्यूरेट करते हो, तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, यानी मोमेंटम सही नहीं आएगा। इफ वन क्वांटिटी इज मेजर एक्यूरेटली, अगर आप एक क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर करते हो, उसकी वैल्यू को बढ़ाते हो, तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो वैल्यू है इंड्यूस हो जाती है, ऑटोमेटिकली जो है इसकी एक्यूरेसी, एक वैल्यू की एक्यूरेसी दूसरी वैल्यू के अंदर क्या प्रोड्यूस कर देती है? अनएक्यूरेसी। अनएक्यूरेसी का मतलब अनसर्टेनिटी। हां जी, एक एक्यूरेटली मेजर होगी तो दूसरी अनएक्यूरेट। यानी मैं अगर यहां पर लिखूं डेल एक्स इनटू डेल पी, अगर बेटा मैं उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करता हूं तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, यानी उसका मोमेंटम बहुत कम मालूम होगा, उसकी मोमेंटम की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, तो इसकी एक्यूरेसी ने इसके अंदर अनएक्यूरेसी इंड्यूस करा दी है। तो एक वैल्यू की, एक क्वांटिटी की जो एक्यूरेसी है वो दूसरे के अंदर क्या इंड्यूस कराती है? अनएक्यूरेसी। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये कि शुरू में हमने सीखा था बेटा जितने भी पार्टिकल हैं हम उनकी पोजीशन कहाँ पर पाए जाते हैं वो मालूम कर सकते हैं, और उनका एम पी टू वी यानी मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं, ये बोहर ने बताया। फिर हम सीखा कि नहीं, ये बात गलत है कि आप किसी भी पार्टिकल की अगर पोजीशन मालूम करते हैं तो पोजीशन मालूम हो जाएगी इस लग में, लेकिन इसका मोमेंटम ये किस वेलोसिटी के साथ, इसका मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो मालूम नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप इसका मोमेंटम मालूम करते हो, ये पोजीशन मालूम हो गई, इस लग में मोमेंटम नहीं मालूम हो सकता। अगर अगले लग में ऐसे करता हूँ, इसका मोमेंटम आपको मालूम हो सकता है, अब इसका मोमेंटम मालूम हो सकता है, लेकिन पोजीशन आपके सामने, अब ये जब मैं बोल रहा हूँ अब इसका मोमेंटम मालूम हो रहा है लेकिन पोजीशन, यानी कि पोजीशन चेंज हो रही है, मोमेंटम मालूम हो सकता है इस लग में लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन मालूम, अब पोजीशन मालूम हो सकती है, मोमेंटम मालूम नहीं हो सकता। यानी ये जो दो बातें हैं कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, इनको हमने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि पोजीशन और मोमेंटम जो है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप पोजीशन सही मालूम करते हो तो मोमेंटम सही नहीं मालूम होता, अगर आप मोमेंटम सही मालूम कर लेते हो, ये मोमेंटम सही मालूम हो गया लेकिन इसकी पोजीशन इस समय देखेंगे मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है, मोमेंटम तो मालूम हो जाएगा लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो रही है वो मालूम नहीं होगी।
इसके बाद बेटा जी इसी को आगे बढ़ाया है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी क्यों बेटा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अभी हमने सीखा कि किस चीज पर एप्लीकेबल होगा, ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर यहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद यदि मैक्रोस्कोपिक ऐसे पार्टिकल जो आम आंख से नजर आते हैं उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होगी, यानी उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होगी, पोजीशन और मोमेंटम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात लागू यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। इसके बाद बेटा कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? ये एक्सप्लेन करता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, इसी प्रिंसिपल की हेल्प कर रहा है, उसी हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है उसको ये हेल्प आउट कर रहा है, उसे एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे? देखिए बेटा, अब आपके पास एक एटम है, उस एटम के आप पोजीशन या मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं तो आपको कोई जो लाइट है, कोई सोर्स ऑफ लाइट से लाइट जो है वो इसके ऊपर जो है सेंट्राइड कराना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे किया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करने के लिए हमने जो है विजिबल लाइट स्ट्राइक करा दी। अलग एटम है, ये एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हमने मेजर करने के लिए इसके ऊपर विजिबल लाइट अगर स्ट्राइक करा दी तो आपके सामने है एटम का डायमीटर बहुत ही छोटा है और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही बड़ी है, लैम्डा बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से एटम इसमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, डायमीटर ऑफ एटम बहुत छोटा है। इसी वजह से यहाँ से आप इसकी पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। हाँ जी, दूसरा तरीका क्या है? आप इसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए बेटा ऐसा करें कि यहाँ पर ऐसी वेवलेंथ स्ट्राइक करें, ऐसी लाइट स्ट्राइक करें जिसकी वेवलेंथ एटम के डायमीटर से छोटी हो। ये वेवलेंथ ऐसी थी जिसकी लैम्डा जो है बहुत बड़ा है और ये वेवलेंथ ऐसी है जिसका लैम्डा एटम के डायमीटर से छोटा है, और अब ये जाकर उसे स्ट्राइक कर जाए। जैसे ही स्ट्राइक करेगी एटम इसके अंदर दिखाई दे जाता है। हाँ जी, ऐसी कौन सी वेवलेंथ है जिन ऐसे कौन सी आपके पास रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ जो है एटम के डायमीटर से छोटी हो? वो है आपके पास एक्सरेज। क्या है बेटा? एक्सरेज। एक्सरेज ऐसी रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ जो है एटम के डायमीटर से बहुत समान है। ये रेज जब आप अवॉइड करेंगे तो एटम्स के स्ट्राइक कर जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे तो एटम दिखाई दे जाता है। इसके बाद बेटा जी हमने सीखना है कि अब हमारे पास दो चीजें हैं, दो बातें हैं, एक पोजीशन होती है और दूसरा मोमेंटम होता है। अगर मैं ऐसे करता हूँ कि बहुत बड़ी वेवलेंथ की बजाय बहुत छोटी वेवलेंथ स्ट्राइक कराता हूँ तो ये वेवलेंथ जब बहुत समान है, वेवलेंथ छोटी होती है, एक्सरेज की वेवलेंथ छोटी होती है तो एटम का डायमीटर बड़ा होता है और एटम उसमें दिखाई दे जाता है। लेकिन एक मसला होता है, मसला क्या होता है? जब वेवलेंथ छोटी हो गई तो बेटा जी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एनर्जी वहां उस वेवलेंथ के अंदर जो आपके पास क्वांटम है, फोटॉन है, उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज। हाँ जी, देखिए जरा, ये एक एटम है तो इस एटम के साथ हमने स्ट्राइक कराना है, इसको पोजीशन को मेजर करने के लिए बहुत छोटी वेवलेंथ हमने स्ट्राइक कराई रेडिएशन एक्सरेज। तो बेटा एक्सरेज क्या है? ऐसी आपके पास रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ बहुत समान होती है, वेवलेंथ समान तो बेटा जी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होगी जैसे इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो इसकी पोजीशन तो मेजर हो जाएगी, पोजीशन मेजर हो जाएगी, पोजीशन मेजर हो जाएगी, लेकिन इसका जो मोमेंटम है बेटा, मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। हाँ जी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ये वेवलेंथ बहुत एनर्जी वाली है, वेवलेंथ बहुत छोटी है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, और जैसे इसे स्ट्राइक करेंगे तो इसकी पोजीशन तो मेजर हो जाएगी लेकिन इसकी वेलोसिटी भी चेंज आने की वजह से मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है मैंने, मोमेंटम चेंज हो जाएगा लेकिन ये क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। और क्यों चेंज हुआ? वेलोसिटी की वजह से, लेकिन पोजीशन मेजर हो गई है। इसके उलट करते हैं बेटा, इससे उलट ये एक एटम है
ये एटम है, एटम के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं हम, ये एटम है, एटम के ऊपर अब हम स्ट्राइक कराते हैं बड़ी वेवलेंथ, ये एक ऐसी वेवलेंथ है, ये स्ट्राइक कराते हैं, इसकी लैम्डा जो है लैम्डा बड़ी है, और एनर्जी क्या होगी, एनर्जी बहुत कम होगी, ठीक है, लैम्डा ज्यादा है, वेवलेंथ बड़ी है, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होने की वजह से बेटा इस स्ट्राइक को करके स्ट्राइक करने की वजह से इसे स्ट्राइक करके तो अब बेटा जी इसके एनर्जी बहुत कम होने की वजह से इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम मेजर हो जाएगा, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, पोजीशन मेजर नहीं होगी, पोजीशन मेजर नहीं होगी, हाँ जी पोजीशन सही मेजर नहीं होगी, मोमेंटम मेजर हो गया है, पोजीशन मेजर नहीं होगी, एक चीज मेजर होती है और दूसरी चीज ऑटोमेटिकली मेजर नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, नाउ यूज फोटॉन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, हमने ऐसी रेडिएशन को अवॉइड कराई है जिनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, वेवलेंथ बड़ी होती है तो एनर्जी कम होती है, इससे क्या फायदा होगा, इससे मोमेंटम जो है चेंज नहीं होगा, यानी साइलेंट होगा, मालूम हो जाएगा, सही वैल्यू पता चल जाएगी इस एटम का मोमेंटम क्या था, लेकिन लेकिन इसके साथ ही बेटा मोमेंटम तो सही मेजर हो गया इस काम करने से, लेकिन पोजीशन सही मेजर नहीं होगी, पोजीशन क्या हो जाएगी, अनसाइलेंट हो जाएगी जी, एक चीज में साइलेंटिटी, दूसरी चीज में ऑटोमेटिकली अनसाइलेंटिटी, एक चीज में अनसाइलेंटिटी, दूसरी चीज में ऑटोमेटिकली साइलेंटिटी को जो है वो इंड्यूस करा देती है। तो बेटा ये आज आपका टॉपिक समझ आया होगा इंशाल्लाह।